प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अपनी ट्रेन लग चुकी है। ट्रेन नंबर है 82901 मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के लिए IRCTC की तेजस एक्सप्रेस। आज जिस ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं वो इंडिया की प्राइवेट प्रीमियम लग्जरी ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। मैं जा रहा हूँ मुंबई से अहमदाबाद ट्रेन जो कि तेजस एक्सप्रेस जो कि मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के लिए चलती है। तो आप और मैं मिलके इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। सो आज की जो हमारी जर्नी है वो इंडिया के प्राइवेट प्रीमियम लग्जरी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस से है जो कि मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के लिए जाती है। तो अभी मैं स्टेशन पे आ गया हूँ। मुंबई सेंट्रल का वेटिंग एरिया है, यहाँ पर AC वेटिंग रूम्स भी है जो कि 24 आवर्स अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको हॉट शावर की फैसिलिटी मिल जाएगी और यहाँ पर सोफा सीटिंग है, रिक्लाइनर है। तो आप है ना सोफा सीटिंग भी ले सकते हो और रिक्लाइनर भी ले सकते हो। और सोफा सीटिंग का जो चार्ज है वो 1 आवर का 40 रुपीज़ है और रिक्लाइनर का जो है वो 1 आवर का 100 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको लगेज रखने के लिए और रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, 24 आवर्स अवेलेबल है, फुल्ली AC है। तो आप यहाँ पर आके रेस्ट कर सकते हैं, लगेज रखने का भी है, बाकी तो नॉर्मल वेटिंग एरिया भी है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ पर भी वेट कर सकते हैं। और फिर अगर आपको रुकना है तो आप है ना इधर ऊपर अर्बन पॉट्स करके है जो अभी IRCTC का नया ओपन हुआ है, उसके प्राइसेस 800 अबव दिखा रहे हैं। तो उसके लिए आपको PNR नंबर चाहिए, टिकट कंफर्म होनी चाहिए, तो आप आके वहाँ पर रुक सकते हैं। बाकी ओवरऑल तो ठीक है। और अभी अपनी ट्रेन लग गई है, अभी जाएंगे अपन ट्रेन में। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी ट्रेन लग गई है, सभी अंदर जा रहे हैं। तो अभी हमारी ट्रेन लग चुकी है। ट्रेन नंबर है 82901 मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के लिए IRCTC की तेजस एक्सप्रेस। प्राइवेट ट्रेन है तो इसको IRCTC के अंडर में आती है, इसको इंडियन रेलवे नहीं दिखता, ये IRCTC के अंडर में है। इसका जो मेंटेनेंस है वो IRCTC करता है और ये वीक में एवरीडे है एक्सेप्ट थर्सडे। ये ट्रेन जो है थर्सडे को ये ट्रेन नहीं है, यहाँ से ये 3:45 को निकलती है और अहमदाबाद जो है 10:10 को पहुँचती है और टोटल 8 हॉल लेती है। 6 आवर्स एंड 15 मिनट में ये पूरा डिस्टेंस कवर करती है। टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करती है वो 491 किलोमीटर है और एवरेज स्पीड जो है इस ट्रेन की 75 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर। तो आज इस ट्रेन में हम सफर करेंगे और इसका एक्सपीरियंस देखेंगे और इसका जो फूड है उसका भी रिव्यू करेंगे। मेरा जो कोच है वो C2 है, इसमें 2 कोच रहते हैं, एक CC और एक EC एग्जीक्यूटिव क्लास और एक चेयर क्लास। तो मेरा जो चेयर क्लास का है मैं आपको एग्जीक्यूटिव क्लास भी दिखाता हूँ कि अंदर से इंटीरियर कैसा है इसका और ट्रेन कैसी है और अंदर का डिजाइन कैसा है, अंदर का इंटीरियर कैसा है। और इसका फूड रिव्यू भी अपन करेंगे अंदर जाने के बाद। पहले चेकआउट करते हैं अंदर का इंटीरियर कैसा है इस ट्रेन का। तो अभी अंदर चल के ट्रेन का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। यहाँ पर जो विंडो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, नॉर्मल है। और ट्रेन का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर ये लगेज रखने का है, यहाँ पर लगेज रखने का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और ये रीडिंग लाइट का है और यहाँ पर 2 चार्जिंग सॉकेट्स लगे हुए हैं। ये जो है शील का है जो है ये ऊपर, और ये सीट है और काफी कंफर्टेबल सीट है। और ये लेग स्पेस बॉटल, ये ट्रे रखने का है। तो ये अपनी सीट है। सो ई चेयर में आपको 2x2 सीटिंग मिल जाएगी, 2x2 सीटिंग है यहाँ पर। यहाँ पर बीच में आपको टेबल्स मिल जाएंगे और इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। ये एग्जीक्यूटिव चेयर है, ये इधर रिक्लाइनर के लिए है। तो इसका जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, रिक्लाइनर है। और यहाँ पर जो ट्रे है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ से ऐसा ओपन होके ऐसा है। और लेग स्पेस और CC से बड़ा है, बॉटल का है। और यहाँ पर TV है लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। और सामने आपको डिस्प्ले मिल जाएगा जिसपे सब बताएगा आपको। यहाँ पर भी जो है वो लाइट, रीडिंग लाइट है और 2 सॉकेट्स मिल जाएंगे आपको। और ये विंडो सीट का है जो है ऊपर, हाँ।
सो यहाँ पर IRCTC के स्टाफ खड़े रहते हैं हर कोच के पास, हर CC और EC के कोच के पास स्टाफ अवेलेबल रहते हैं। ये ट्रेन जब तक ये निकलती नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट है, इसके लिए यहाँ पर सब स्टाफ जो है हर एक कोच के पास स्टाफ खड़े रहेंगे। ऑटोमेटिक यानी इलेक्ट्रिक डोर है बताने के लिए। सो अभी मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। CC कार का जो प्राइस है वो 1670 रुपीज़ है, 1670। और जो EC का है, एग्जीक्यूटिव चेयर है, उसका वो अप्रोक्सीमेटली 2200 रुपीज़ है। अभी 3:40 हो गया है, 5 मिनट बाकी है ट्रेन निकलने को। और इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, तो ये ऑन टाइम निकल जाती है। अगर एक बार डोर क्लोज हो गया तो फिर आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो रोज किसी ना किसी की ट्रेन मिस होती है। अभी मैंने IRCTC के हिसाब से बात किया तो बोले कोई ना कोई मिस होती है, और एक बार गेट क्लोज हो गया तो फिर ओपन नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट बाकी है। ये डस्टबिन है ऑटोमेटिक, यहाँ पर यहाँ से ये ओपन होता है। और ये नॉर्मल डस्टबिन है। और ये वॉशरूम है यहाँ पर, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल। तो ये वॉशरूम है, यहाँ पर डिस्पेंसर है, यहाँ का टॉयलेट। फ्लश चल रहा है, क्लीन है यानी बाकी नॉर्मल ट्रेनों से तो क्लीन है यहाँ पर। यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, कोच के अंदर भी है और कोच के बाहर भी है। 2 कैमरे है यहाँ पर बाहर, और अंदर भी कैमरेज है। तो पूरी फैसिलिटी है। तो हो गया डोर क्लोज। इधर आपको पेनेट्री नहीं मिलेगा, यहीं से सब सर्व हो जाता है IRCTC के द्वारा। ये यहाँ पर खाना रखा हुआ है। सो इधर आपको 3x2 की सीटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो सीट है वो क्वाइट कम्फर्टेबल है। पानी सर्व हो गया है और ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी है एग्जैक्ट टाइम पे। ट्रेन निकल गई है तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद के लिए, और ये टोटल 8 हॉल्ट लेगी अहमदाबाद तक का। सो अभी जो पहला हॉल्ट आएगा वो बोरीवली आएगा। और अभी पेपर भी मंगा लिए है और पानी का बॉटल भी आ गया है। और अभी देखते हैं बाकी और क्या मिलता है। फिर फूड का रिव्यू मैं आपको आने के बाद फूड का रिव्यू करता हूँ। ओवरऑल तो काफ़ी बेटर है, जो मुंबई से गोवा के लिए जो मैंने ट्रेन लिया था लास्ट टाइम उससे काफ़ी बेटर है। इसका इंटीरियर भी और इसके सीट्स वगैरह भी वो इतना मेंटेन नहीं था, लेकिन ये काफ़ी मेंटेन है। सो अगर आप मेरा वो वाला ब्लॉग भी जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी अभी ये जर्नी को एंजॉय करते हैं। ये बांद्रा टर्मिनस है और यहाँ से ये सामने मुंबई बांद्रा रामनगर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है। सो अभी 4:25 हो गया और हम लोग बोरीवली पहुँच गए, और बोरीवली से भी अभी काफ़ी लोग चढ़ रहे हैं। तो इवनिंग स्नैक आ गया है। ये कचौरी है, चोकोबा है, चक्री है तेजस एक्सप्रेस की, ये छाछ, वाघ बकरी इंस्टेंट जिंजर टी, केचप, ये सैनिटाइजर है, और
और ये वेट टिश्यू। कचौरी गर्म है ना और टेस्टी भी है, अच्छा फील दिया अंदर। तो अभी 5:50 हो गए और मैं पहुंच गया हूँ वापी। नीचे न्यू तरफी के 2 मिनट का हॉल्ट है और फिर एक बार डोर लॉक हो गया। वापी जो है गुजरात का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज है। सूरत और वडोदरा में 5 मिनट का हॉल्ट है, बाकी स्टेशन 2 मिनट का हॉल्ट। 10 मिनट लेट सूरत पहुंच गए, 7 बजे का टाइमिंग था लेकिन हम लोग 7:10 को सूरत पहुंचे, 10 मिनट लेट। सूरत जो है वो एक डायमंड मार्केट हब है यहाँ पर और टेक्सटाइल मार्केट भी हब है यहाँ। अगर आप सूरत आ रहे हो तो फिर यहाँ पर आप कपड़े वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो जो कि काफ़ी सस्ते मिलते हैं। और अभी नेक्स्ट स्टेशन जो है वो भरूच है, आगे की जर्नी इंजॉय करते हैं। से पहले डिनर आ गया है, ये राइस दाल, ये चिकन रोटी, ड्राई वेज सब, दही ये रोटी है, रेड पेपर। डिनर हो गया है अपना रेडी और ये है राइस, ये दाल, ये चिकन नॉन वेज बोला था, ये रोटी, सब्जी और दही। अभी टेस्ट करके देखते हैं, काफ़ी अच्छा खाना है, पैसा जितना लिया है उतना वर्थ इट है, खाना अच्छा है। पहले खाते फिर मिलते। अमूल की दही तो नहीं मिली लेकिन अमूल की आइसक्रीम मिल गई है खाने के लिए। तो अभी 8 बज रहा है और हम लोग भरूच पहुँच गए, 15 मिनट लेट है हम लोग। 15 मिनट लेट बड़ौदा जंक्शन पे पहुँच गए, 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। और अगर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमना है तो आप यहाँ बड़ौदा स्टेशन से उतर के जा सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट करने के लिए। साढ़े 10 बजे मैं तेजस एक्सप्रेस से उतर चुका हूँ, मैं पहुँच गया हूँ अहमदाबाद और अभी मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ अपने हॉस्टल के लिए। ट्रेन का खाना ओवरऑल तो बहुत ठीक था, जो चिकन था वो जो उसका जो ग्रेवी था वो थोड़ा मीठा था, बाकी दाल बहुत मस्त थी, राइस भी बहुत अच्छा था। दही एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि दही जो है वो अमूल की दही नहीं दिया तो उसका टेस्ट इतना सही नहीं था, बस एट दी एंड में बाद में आइसक्रीम दिया अमूल की तो फाइनली थोड़ा सा अच्छा लगा। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।